गहलोत सरकार ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया। बजट में अशोक गहलोत ने युवाओं, मजदूरों, किसानों और कारोबारियों का खास ख्याल रखा है। अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में बजट भाषण में कहा है कि कोरोना में हमारा एक साल सबके लिए कठिन रहा है, मुश्किल दौर था, लेकिन हमने धैर्य से काम किया। और वहीं राजस्थान सरकार ने बजट के जरिए हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट में देखिए, गहलोत सरकार का 3.3 बजट, युवाओं, रोजगार, कर्मचारियों को बड़ी सौगात, किसानों को भी लुभाने की कोशिश। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना तीसरा बजट पेश किया। कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी इस बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। गहलोत के इस पिटारे में युवाओं से लेकर रोजगारों और महिलाओं तक को रिझाने की कोशिश की गई। बजट में हर वर्ग का भी ख्याल रखा गया। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में स्पेशल कोविड पैकेज के ऐलान के साथ साथ कई नई सौगात दी। सरकार सभी महिलाओं को मुफ्त में देगी सैनिटरी नैपकिन। नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। खेती की बिजली के लिए नई कृषि वितरण कंपनी बनाई जाएगी। 50,000 किसानों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों के लिए अलग साल से कृषि बजट अलग से पेश होगा। किसानों के लिए ऋण माफी के संबंध में वन टाइम सेटल योजना के ऋण माफी कराए जाएंगे। किसानों को 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए जाएंगे। इस योजना में 2021-2022 में 3 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की घोषणा। छोटे कारोबारियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। छात्रों को शिक्षण सामग्री समेत कई सुविधाएं दी जाएंगी। पाठ्य पुस्तक और स्कूल यूनिफॉर्म फ्री में दी जाएगी। विकलांगों को दी जाएगी स्कूटी। राज्य हेल्थ बिल लगाया जाएगा। अगले साल 35 करोड़ की लागत से यूनिवर्सल हेल्थ योजना लागू होगी। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। पीएचसी में 15 से बढ़कर 61, जिला अस्पतालों में 133 जांचें मुफ्त होंगी। जोधपुर में नई डायग्नोस्टिक विंग बनेगी। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में भी नई विंग बनेगी। प्रदेश में 30 नए पीएचसी खोले जाएंगे। शाहपुरा, जयपुर और फतेहपुर के उप जिला अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। 40 सीएससी को प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। आवासीय स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन, फ्री वाईफाई की सुविधा। जोधपुर में 400 करोड़ रुपए में थिंक टैंक सेंटर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश किया, जिसमें हर वर्ग को राहत दी गई। बता दें कि अगले साल राजस्थान सरकार कृषि का बजट पेश करेगी। इसकी झलक इस बजट में भी देखने को मिली। बजट के जरिए इस बार किसानों को भी लुभाने की कोशिश गहलोत सरकार की ओर से की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।